बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, होप यू ऑल फाइन। उम्मीद है कि पढ़ाई को पूरा पूरा टाइम ले रहे होंगे। जैसे कि हमने जहाँ छोड़ा था वो टेंसेस थे। हमने पहले प्रेजेंट डेफिनेट पढ़ा था, प्रेजेंट कंटिन्यूस पढ़ा था। हम वहीं से शुरू करते हैं जहाँ से हमारा सिलसिला ख़त्म हुआ था, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की तरफ आते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में देखें, सबसे पहली बात क्या होती है, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, जैसे कि आपको मैंने पहले दिन बताया था, पहचान। सबसे पहले आपको पहचान करनी होती है फिक्र की, ऐसे जुमले जिनके आखिर में चुका है, चुके हैं, चुके हों वगैरह आए हैं, जिनके आखिरी लफ्ज़ अलिफ है, ये वाई नहीं लिए, बड़ा ये वगैरह आ रहा हो, जैसे कि लिया है, अलिफ और है, लिया है, किया है, या चुका है, चुके हैं वगैरह, जिनके आखिर में ये अल्फाज आ रहे हों, उनको क्या कहते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का आपको पहचान पता लग गई। उसके बाद दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होती है, उसका स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट प्लस हैज और है प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। यहाँ पे सब्जेक्ट मिसाल के तौर पर एक उन्होंने फिक्रा लिखा, यहाँ पर मैं आपको यहाँ से दिखा देता हूँ, जैसे कि मैंने ख़त लिख लिया है, मैं ख़त लिख चुका हूँ, ये सेंटेंस आता है, फिक्र आता है आपके पास। तो सबसे पहले हमने क्या पढ़ा है, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है यहाँ पर, आई। उसके बाद हैज़ या हैव का इस्तेमाल होना है, ठीक है। हैज़ या हैव यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ, ही शी इट के साथ हैज़ लगाना है, और बाकी तमाम चीज़ों आई वी दे यू के साथ हैव लगाया जाता है, ठीक है। जहाँ आपका सब्जेक्ट ही शी इट हो, वहाँ पे आपने हैज़ का इस्तेमाल करना है, जबकि बाकी तमाम जो भी आपके सब्जेक्ट्स हैं, आई वी दे यू, उन सब के साथ हैव का इस्तेमाल होगा, ठीक है। जैसे कि मैंने ख़त लिख लिया है, या मैं ख़त लिख चुका हूँ, ये इसके देखें सब्जेक्ट क्या है, आई। आई के साथ क्या लगाना है, मैंने बताया हैव। आई के साथ हैव लगाना है। उसके बाद स्ट्रक्चर में हमने क्या देखा है, वर्ब की कौन सी फॉर्म इस्तेमाल होती है, हैज हैव के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है। वर्ब की थर्ड फॉर्म राइट है, लिखना राइट होता है, वर्ब राइट है, राइट की थर्ड फॉर्म क्या है, रिटर्न। आई हैव रिटर्न अ लेटर, मैं ख़त लिख लिया है, मैं ख़त लिख चुका हूँ, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टैंड, ये समझ आ गई होगी। आगे एग्जाम्पल्स दी हुई हैं, तुमने मैच जीत लिया है, यू हैव वन द मैच, ठीक है। उन्होंने अपना घर तामीर कर लिया है, दे हैव बिल्ट अ न्यू हाउस, हम डॉक्टर साहब का नाम भूल चुके हैं, वी हैव, वी सब्जेक्ट हैज हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब फॉरगेटन, भूलने की, फॉरगेट फॉरगॉट फॉरगेटन, द डॉक्टर्स नेम, डॉक्टर का नेम, उसने सवाल हल कर लिया है, कि सब्जेक्ट हैज, ही के साथ क्योंकि हैज लगता है, सॉल्व, सॉल्व कहते हैं हल करना, वर्ब है सॉल्व द सम या क्वेश्चन। वो औरत नज़म पढ़ चुकी है, शी हैज रिसाइटेड द पोएम, इट हैज स्टॉप द रेन, बारिश थम चुकी है, ठीक है। आगे देखें, आगे क्या कहते हैं वो, इसके अगर नेगेटिव आ जाए तो हैज हैव के बाद बस नॉट का एडिशन कर देना है, ही हैज नॉट रिटन द लेटर, जैसे शी हैज रिटन द लेटर, नेगेटिव में शी हैज नॉट, नेगेटिव में सिर्फ नॉट आ जाएगा, वो ख़त नहीं, उसने ख़त नहीं लिख लिया है, या वो ख़त नहीं लिख चुकी है, शी हैज नॉट रिटन द लेटर। इंटरोगेटिव जो है क्वेश्चन होते हैं, हैज ये हैव शुरू में आ जाता है, ठीक है, हैज ये हैव शुरू में आ जाता है, शी रिटन अ लेटर, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टैंड। अब इसके पैसे वाइज में जाते हैं, पैसे वाइज का मैंने आपको पहले दो टेंसेस पढ़ाते हुए बताया था कि ऑब्जेक्ट स्टार्ट में चला जाता है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, ये स्ट्रक्चर देखें, स्ट्रक्चर ऑब्जेक्ट आ गया, उसके बाद इसके स्ट्रक्चर में हैज हैव प्लस बीन आता है, बीन पैसे वाइज बनाते हुए, हैज हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये याद रखें कि पैसे वाइज बनाते हुए हमेशा थर्ड फॉर्म ही यूज़ होती है,
एंड कोई भी हो जब आप उसका पैसिव वॉइस बना रहे हैं तो वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म यूज होगी प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट सब्जेक्ट को हमने उसकी थर्ड उसमें लिखना है ठीक है जैसे शी हैज रिटन अ लेटर यहाँ पर लेटर ऑब्जेक्ट है ऑब्जेक्ट जैसे कि उन्होंने कहा है शुरू में ले जाना है ऑब्जेक्ट को हम शुरू में ले आएंगे अ लेटर उसके बाद हैज ये है लेटर के साथ हैज लगेगा है लेटर सिंगुलर है सिंगुलर के साथ हैज लगता है प्लूरल के साथ हैव लगता है अ लेटर हैज बीन एज पर स्ट्रक्चर हमने सिर्फ स्ट्रक्चर फॉलो करना है मैंने जैसे पहले भी आपको बताया था A letter has been structure के मुताबिक हमने यहाँ पे लिख दिया verb की थर्ड फॉर्म रिटर्न यहाँ पर भी रिटर्न ही आएगी प्लस बाय एज पर स्ट्रक्चर है प्लस सब्जेक्ट शी की क्या है शी हर 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 रहना है यहाँ पर ठीक है इसी तरह नेगेटिव नेगेटिव में नॉट का इजाफा होगा या हैज है शुरू में आ जाएंगे ठीक है ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस था इसको आपने असाइनमेंट्स बनानी है कम से कम 10 सेंटेंस आपने इसके बनाने हैं जो सिंपल नेगेटिव इंटरोगेटिव हो इसी तरह पैसिव के भी सिंपल नेगेटिव इंटरोगेटिव होंगे आपके ठीक है यहाँ पर आपका हो गया उसके बाद हम थोड़ा सा एक सेंटेंस देख लेते हैं हमने पहले कौन सा पढ़ा था सिंपल सेंटेंस कौन सा होता है अ सेंटेंस सिंपल सेंटेंस हैज वन सब्जेक्ट एंड वन प्रेडिकेट ठीक है जैसे वी वेंट टू सैन जॉन यस्टरडे सिंपल सेंटेंस जैसे मैंने आपको बताया था मैरी प्लेज टेनिस सब्जेक्ट एंड वन प्रेडिकेट ये सिंपल सेंटेंस है सिंपल सेंटेंस में यहाँ पे अब हम आते हैं कंपाउंड सेंटेंस की तरफ कंपाउंड सेंटेंस कहते हैं दो सेंटेंसेस को मिलाकर दो सेंटेंसेस का मुरक्कब जो होता है वो कंपाउंड सेंटेंस होता है यहाँ पर देखिए लिखा हुआ कंपाउंड सेंटेंस हैज मोर देन वन पार्ट एक से ज्यादा ऐसे होते हैं कंपाउंड सेंटेंस में दैट कैन स्टैंड अलोन जो अकेले भी लिखे जा सकते हैं इंडिपेंडेंट क्लॉजेस होते हैं ऐसा नहीं है कि एक पहला वाला क्लॉज जो है पहला सेंटेंस में दूसरे पर डिपेंड कर रहा हूँ दोनों इंडिपेंडेंट होते हैं दोनों इंडिपेंडेंटली सेंस पैदा कर रहे होते हैं ठीक है इंडिपेंडेंट क्लॉजेज जो है वो उनको कनेक्ट किया जाता है कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस कंजक्टिव वर्ब्स वगैरह से अब वो क्या होती है कंजक्शंस क्या होती हैं वो हम आगे जाके पढ़ेंगे कंपाउंड सेंटेंस लिखा हुआ है वी वेंट टू सेंट जॉन ठीक है ये एक सेंटेंस है एंड यहाँ पर जो एंड है यहाँ पर ये कंजंक्शंस है कोऑर्डिनेट कर रहे हैं जो इनको आपस में दो सेंटेंसेस को मिला रही हैं उनको कंजंक्शंस कहते हैं ठीक है या कॉमा आके भी बाज़ोक़त कॉमा भी इस्तेमाल हो जाता है एंड मोस्ट ऑफ अस डांस्ड ऑल नाइट हम में से ज़्यादातर ने पूरी रात डांस किया ठीक है यहाँ पर ये सेंटेंस था आपने पढ़ा वी वेंट टू सेंट जॉन यहाँ पर एक सेंटेंस हो गया इसको कंजंक्शन से मिला दिया गया है एंड लगाया एंड मोस्ट ऑफ अस डांस ऑल नाइट मोस्ट ऑफ अस डांस ऑल नाइट ये एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है हम में से ज़्यादातर ने पूरी रात डांस किया जो एक अपनी सेंस पैदा कर रहा है इंडिपेंडेंट है वी वेंट ऑन सेंट जॉन हम सेंट जॉन गए वी वेंट टू लाहौर हम लाहौर गए ये भी एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है जो अपनी सेंस पैदा कर रहा है दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस दो सेंटेंसेस मिलकर उनको किसी कंजंक्शन के थ्रू एंड और बट वगैरह ये सारी जो चीज़ें इनसे मिलाकर एक सेंटेंस बनाया जाता है उसको कंपाउंड सेंटेंस कहते हैं यहाँ पर कंपाउंड सेंटेंस को डिटेल में देखें आप यहाँ पर सब्जेक्ट है जैसे वी वर्ब है वेंट टू सेंट जॉन ठीक है अब कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन यहाँ पे क्या है एंड कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन जो इनको कोऑर्डिनेट कर रहा है जो इनको मिला रहा है दो सेंटेंसेस को मिलाने वाला जो फिक्र है कंजंक्शन कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन कौन सी एंड मोस्ट ऑफ अस डांस्ड ऑल नाइट हम उससे ज़्यादातर ने पूरा डांस किया ठीक है यूज़ ऑफ कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन यहाँ पर लिखा हुआ है सब्जेक्ट प्रेडिकेट एंड सब्जेक्ट प्रेडिकेट मतलब है पहला सेंटेंस सब्जेक्ट प्रेडिकेट एक सेंटेंस एंड के साथ कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन इस्तेमाल हुआ ये एंड कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है जो इस सेंटेंस को और इस सेंटेंस को मिला रहा है ठीक है जैसे टॉम स्विम्स एक सेंटेंस था टॉम तैरता है एंड मैरी प्लेज टेनिस और मैरी टेनिस खेलता है
दोनों हैं दो इंडिपेंडेंट क्लासेस, दोनों अपने अपने सेंस पैदा कर रहे हैं, लेकिन उनको कोऑर्डिनेटिव कंजंक्शन एंड के थ्रू रिलेट कर दिया गया, जोड़ दिया गया, एक फिक्रा बना दिया गया। तो दो सेंटेंस को मिलाकर एक सेंटेंस जब बनता है तो कंपाउंड सेंटेंस बनता है वो। अब कोऑर्डिनेटिव कंजंक्शन डिफरेंट किस्म की होती हैं, फॉर एंड नॉर बट और येट सो, ये सारी इस्तेमाल हो सकती है, ठीक है। तो ये दो चीज़ें हमने, एक दो चीज़ें आपने कंपाउंड सेंटेंस की भी असाइनमेंट बनानी है, रेडी करनी है, उसके अलावा आपने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का ध्यान है। दैट्स ऑल फॉर टुडे, स्टे होम, स्टे सेफ, फी अमान अल्लाह, अल्लाह हाफिज़।